So, ये सब बातें तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि कौन सा ओएस सबसे अच्छा, iOS ज्यादा सिक्योर है, एंड्रॉइड कम सिक्योर है, ये सब चीजें आपने सुनी होगी, कौन सा ओएस ज्यादा सिक्योर है, ये बातें आपने मेनली सुनी होगी और बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे इस बारे में। बट मे बी मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट लेके आया हूं, सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने बहुत सारी नई चीजें आपको दिखाने की कोशिश की है इस वीडियो में। सो सिक्योरिटी के बारे में, प्राइवेसी के बारे में जानने से पहले हमें इनका मतलब समझना होगा। सिक्योरिटी और प्राइवेसी का मतलब है कि आपका जो डेटा है, आपकी जो पर्सनल चीजें हैं, वो कहीं पर शेयर ना हो रही हो, कहीं पर लीक ना हो रही हो, और हाँ, कोई उस डेटा को एक्सेस भी ना कर सके। तो सबसे पहले अपन एंड्रॉइड की बात करते हैं। तो ये चीज तो आपको पता ही होगी, आपने बहुत बार सुनी होगी कि एंड्रॉइड एक ओपन प्लेटफॉर्म है, मींस कोई भी उसके लिए इजीली ऐप डेवलप कर सकता है, 5-6 हजार रुपए में अपने ऐप को पब्लिश भी करा सकता है। एंड्रॉइड स्टूडियो, जहां पे एंड्रॉइड एप्स बनते हैं कोडिंग करके और जो भी प्रोसेस होता है, वो एंड्रॉइड स्टूडियो भी फ्री होता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा डेवलपर्स है, बहुत सारे हमें ऐप्स देखने को मिल जाते हैं एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पे। तो यही सबसे बड़ा रीजन है एंड्रॉइड के कम सिक्योर होने का, क्योंकि जितने ज्यादा डेवलपर होंगे उतने ही ज्यादा ऐप्स होंगे, जितने ज्यादा ऐप्स होंगे उतने ज्यादा मेलवेयर और रैनसमवेयर वायरसेस वगैरह के होने के चांसेस रहते हैं। तो इतने सारे जो डेवलपर है, उनमें से कोई ना कोई तो जरूर क्रिमिनल माइंडेड होगा, जो कि कोई क्राइम करना चाहता हो, लोगों का डेटा हैक करना चाहता हो या ऐसा कुछ करना चाहता हो। तो इतने सारे डेवलपर है, उनमें से उन सबको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप्स होने के कारण गूगल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि सारे ऐप्स को फिल्टर करे, सारे ऐप्स को चेक करे, सारे ऐप्स की टेस्टिंग करे और बिल्कुल डीप टेस्टिंग करे। तो ये बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है यहाँ पे एंड्रॉइड के लिए। ओपन प्लेटफॉर्म होने के कारण कोई भी डेवलपर एक कस्टम रोम भी बिल्ड कर सकता है एंड्रॉइड के लिए, और हम लोग थर्ड पार्टी ऐप्स या फिर वेबसाइट से एपीके फाइल्स भी डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें चाहिए होता है कोई क्रैक फाइल डाउनलोड करना है, फिर कोई हैक एपीके डाउनलोड करना है, फिर कोई मॉड गेम डाउनलोड करना जिसके अंदर अनलिमिटेड कैश हो, इस टाइप के जो गेम्स होते हैं उन्हें डाउनलोड करने के लिए हमें थर्ड पार्टी ऐप्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, और उनके साथ हो सकता है कि कोई पेलोड अटैचमेंट हो, पेलोड बाइंडेड हो। और पेलोड क्या होता है, वो भी एक मेलवेयर की तरह होता है, एक वायरस की तरह होता है, जो कि आपके फोन में आपके मॉड एपीके, जो भी आप एपीके डाउनलोड कर रहे हो उसके साथ बाइंडेड हो सकता है और आपके फोन के अंदर आ जाएगा और आपका सारा डेटा लीक हो सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। तो ये सब चीजें हैं कि एंड्रॉइड बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है, इसकी वजह से इसे बहुत प्रॉब्लम होती है अपनी सिक्योरिटी का हैंडल करने में। और एक बात तो है कि कहीं ना कहीं गूगल अनसिक्योर तो जरूर है। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, मैंने गूगल की वेबसाइट पर जाकर माय डिवाइसेस खोलने की कोशिश की, मैंने सोचा अपने डिवाइसेस को मैनेज कर लूं। फिर जैसे ही मैंने अपना अकाउंट चेंज करने की कोशिश की, मैंने दूसरे जीमेल अकाउंट को ओपन करने की कोशिश की, तो मेरे सामने ये एरर आया, दिस ब्राउजर और दिस ऐप मे नॉट बी सिक्योर। एंड गेस व्हाट, मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा था उस टाइम। तो आप सोचिए कि गूगल इतनी बड़ी कंपनी होकर अपने ही वेब पेज पे अपने ही ऐप को नहीं पहचान पा रही, तो हां कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी में फ्लॉ है। और इसके अलावा न जाने कितने इश्यूज हो गए कि जहां से हमारा डेटा लीक हो सकता है, कितने सारे वल्नरेबिलिटीज, कितने सारे लूप होल्स हो सकते हैं। अभी जो लूप होल्स होते हैं, वल्नरेबिलिटीज होती है, इन्हीं को हैकर्स यूज करते हैं। यही मतलब जो उनके अंदर छोटी छोटी चीजें रह जाती है गूगल के सिक्योर सर्वर में, सिस्टम में जो भी गलतियां रह जाती है, उनको वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, जहां से हैकर्स अंदर घुस पाते हैं। अब जो आपके मोबाइल में जो सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट आते हैं हर महीने, हर 2 महीने 3 महीने में जो अपडेट आते हैं, वो यही होते हैं कि जो वल्नरेबिलिटीज होती है उनको पैच कर दिया जाता है, मतलब उनको बंद कर दिया जाता है ताकि अलग अलग हैकर्स अंदर ना घुस सके। और गूगल इतने सारे डिवाइसेस में काम करता है, Xiaomi, Samsung, पता नहीं कितने सारे ब्रांड है जो एंड्रॉइड लेके आते हैं, इतने सारे डिवाइसेस को उनकी कस्टम UI को मिला के बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज निकल जाती है, बहुत सारे लूप होल्स होते हैं जहां से हैकर्स अंदर घुस सकते हैं। तो अब चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कहां पर गूगल की दिक्कत है और कहां पर गूगल अपना सारा डेटा स्टोर करता है। सबसे पहले आपको अपना कोई ब्राउजर खोलना है, ब्राउजर में जाने के बाद आपको इस लिंक पर जाना है, ये लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब इस लिंक में जाने के बाद आपके सामने ये पेज आएगा, इस पेज को एक बार चेक करिए। इस पेज के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, माय एक्टिविटी में जाते हैं। माय एक्टिविटी में जाने के बाद कुछ खास नहीं है, इसने सब कुछ दिखा दिया, हमारी हिस्ट्री, हमने यूट्यूब पे कौन कौन सी वीडियोस देखी सब कुछ दिखा दिया, हमने अपने कंप्यूटर पे क्या क्या चलाया, कंप्यूटर की हिस्ट्री सब कुछ दिखा दी, और आपने जो जो एपीके फाइल्स वगैरह डाउनलोड किया सब कुछ दिखा दिया, आपके गूगल क्रोम की सारी हिस्ट्री दिखा दी, आपके सारे डिवाइसेस के, आपके स्मार्टफोन वगैरह जिसमें एक ही जीमेल आईडी खुली हुई है, उन सब की हिस्ट्री, आपकी एक्टिविटी सारी दिख जाती है। चलिए यहाँ तक ठीक है, अपन बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद आप एक बार टाइमलाइन पर क्लिक कर लो। सरप्राइज, आपको ये जो बबल्स दिख रहे हैं वो लोकेशन है जहां पर आप गए हो इस जीमेल आईडी को बनाने के बाद, इस ईमेल आईडी को बनाने के बाद। ये जो बबल्स दिख रहे हैं सब कुछ दिखा रहे हैं, ये देखिए दिल्ली में मेरी लोकेशन दिखा रहा है जहां जहां मैं गया हूं, ये भिवाड़ी है जहां पर मैं अभी रह रहा हूं, रेवाड़ी जहाँ पर मैं अभी तक 2-3 बार ही गया हूँ, और ये एग्जैक्टली दिखा रहा है जहाँ जहाँ पर मैं गया हूँ, वो सारी लोकेशंस मुझे दिख रही है यहाँ पे। और इससे बड़े सरप्राइज की बात, यहाँ पर ये जो रेड टैब दिख रहा है इसके अंदर 326 प्लेसेस, आपका नंबर शायद अलग हो, इसमें जाने के बाद आपको सारे प्लेसेस के नाम तक दिखा रहा है, मतलब इजंट दैट शॉकिंग, आपका सारे प्लेसेस के नाम तक दिखा रहा है। आप अगर इसमें लास्ट में चले तो देखिए मेरे को मेरे ATM तक दिखा रहा है कि इस ATM में मैं गया हूँ, एक्सिस बैंक ATM दिखा रहा है। अब इससे कोई भी पता लगा सकता है कि हमारा किस बैंक अकाउंट में अकाउंट है, सब कुछ पता चल सकता है हमें।
तो जैसा कि आपने देखा कि गूगल आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। इनफैक्ट अगर आप गूगल होम या फिर गूगल नेस्ट जो भी आते हैं, वो जो स्मार्ट डिवाइस आते हैं, स्मार्ट स्पीकर आते हैं, उनके अंदर आप जो भी कमेंट्स बोलते हो उन्हें भी आप देख सकते हो इसी वेब पेज पे। और इस वेब पेज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज चेकआउट करना उसे। आप अपनी आंखों से देखेंगे क्या क्या डेटा आपका स्टोर हो रहा है वहाँ पे। अब वही बात करें अगर iOS की, तो iOS के लिए ऐप डेवलप करना इतना आसान नहीं होता, वो बहुत महंगा पड़ता है डेवलपर्स के लिए। बिकॉज अगर आप कोई ऐप डेवलप करते हो iOS के लिए और उसे आपको ऐप स्टोर पे पब्लिश करना है एप्पल के, तो जो एप्पल कंपनी है वो अपने ऐप स्टोर पे पब्लिश करने से पहले उसकी पूरी टेस्टिंग करती है। बहुत सारे फिल्ट्रेशन लेवल से होकर उसे ऐप को गुजरना पड़ता है, अच्छी तरह चेकिंग होती है, अच्छी तरह टेस्टिंग होती है, बिल्कुल डीप टेस्टिंग होती है, कहीं पर ये कोई मेलवेयर या फिर वायरस अपने साथ ना ले जा रहा हो या फिर ये खुद ही मेलवेयर वायरस ना हो, ये सब चीजें चेक करते हुए वो ऐप पब्लिश होता है ऐप स्टोर पे। और अगर आपके पास कोई iOS डिवाइस है तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि ऐप स्टोर पर जो एप्स मिलते हैं वो बड़े बड़े डेवलपर्स से हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाए हैं। हाँ, कुछ छोटे मोटे डेवलपर है जो शायद आगे ग्रो होने के लिए अपने एप्स डालते हो, तो वो एक डिफरेंट चीज है। और बहुत कम ही एप्स है जो कोई छोटे मोटे किसी नए डेवलपर ने बनाए हो। हाँ, iOS भी हमारा डेटा यूज करता है, जो बड़े एप्स हैं इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब जो एड्स दिखाते हैं वो हमारे डेटा के कारण ही दिखाते हैं। हमारे डेटा से पता लगाते हैं कि बंदे का इंटरेस्ट क्या है और उस हिसाब से हमें एड्स दिखाए जाते हैं। तो हाँ, हमारा डेटा iOS भी लेता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेता, iOS भी लेता है हमारा डेटा, और वो सारा डेटा अपने सर्वर में सिक्योर सर्वर में रखता है, वो किसी वेबसाइट पे दिखाता नहीं है। जैसे हमें गूगल ने दिखाया कि हमारा वॉइस डेटा क्या है, हमारा लोकेशन डेटा सब कुछ गूगल दिखा देता है अपने वेब पेज पे, उस तरह ये नहीं दिखाता है, शोकेस नहीं करता हमारे डेटा को। दिस मींस अगर आप एक iOS यूजर है तो आपका डेटा है लेकिन वो आपकी पॉकेट में ही है, अगर दूसरी जगह है तो वहां पर बिल्कुल सिक्योर है। तो अब इन सब का मतलब ये तो नहीं है कि गूगल बहुत ज्यादा अनसिक्योर है या फिर बिल्कुल अनसिक्योर है, लेकिन अगर एक इंसान के, एक नॉर्मल बंदे, एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसके बारे में इतना सारा डेटा कहीं पर स्टोर हो रहा है। एटलीस्ट ये शोकेस तो नहीं करना चाहिए गूगल को कि हमारा डेटा क्या क्या है, हम कहां जा रहे हैं, ये सब शोकेस नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट किसी भी बंदे को पसंद नहीं होगा, किसी भी आम आदमी को पसंद नहीं होगा उसका डेटा इस लेवल तक। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरनेट के बारे में जानते हो, गूगल के बारे में जानते हो, तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उस पेज में जाके अपना डेटा जरूर चेक करें, और वहां पर ऑटो इरेज का, ऑटो डिलीट का ऑप्शन भी आता है, उन सबको भी चेक करें ताकि आपका डेटा डिलीट होता रहे, आपको कोई कंसर्न ना हो। अब हाँ, बहुत जगह होता था कि अपने माइक्रोफोन को कवर कर दो, अपने कैमरा को कवर कर दो ताकि आपका डेटा कहीं ना जाए, लेकिन इन सब चीजों का कौन ध्यान रखता है। आप बस ये कर सकते हो कि अपने लोकेशन मैक्सिमम टाइम ऑफ रखो, जब जरूरत पड़े तभी ऑन रखो, और जो भी एप्स है जो फालतू की परमिशन यूज कर रही है, माइक्रोफोन परमिशन, कैमरा परमिशन जो यूज नहीं करते, उन्हें आप बंद कर सकते हो अपने एप्स की सेटिंग्स में जाके। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं आपके पर्सनलाइज्ड टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे अपने टॉपिक्स कमेंट्स में बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।